तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ना है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम क्रमशः मान लेंगे आफताब और उसकी पुत्री की आयु एक्स और वाई है ना, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम लिखेंगे हल, ठीक है, उसके बाद माना आफताब की आयु बराबर यक्ष वर्ष है ना, उसके बाद हमारा भाई की पुत्री की आयु, तो माना पुत्री की आयु बराबर वाई वर्ष, यही होगा। अब उसके बाद जो क्वेश्चन में कहता है सेम आपको पढ़ना है। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो आफताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि भाई 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब पहली कंडीशन क्या कहती है, मतलब फर्स्ट कंडीशन कि भाई 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर कितना हो जाएगा भाई, यक्स में 7 घटा दें तो यक्स -7 वर्ष, भाई 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले। अब उसके बाद पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, तो भाई 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु बराबर कितना हो जाएगा, वाई में 7 घटा दें तो वाई -7, यही होगा, ठीक है, वर्ष में है तो वर्ष। उसके बाद बस प्रश्नानुसार करके सॉल्व कर दीजिए कि भाई लिखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहता है प्रश्न कि भाई 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब अपनी पुत्री से आफताब 7 गुनी आयु का था। तो आफताब की आयु जो है कितनी है, यक्स -7 वर्ष है। अगर इसको हमें बराबर करना है तो उसकी पुत्री की आयु में 7 से गुणा कर दें, क्योंकि आफताब कहता ही है कि भाई 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी अपनी पुत्री की आयु से 7 गुनी आयु का था, यानी ये पुत्री की आयु हुई, उसमें 7 का गुणा कर दें। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, यक्स -7 = 7 का वाई में गुणा होगा तो 7y, और 7 का -7 में होगा तो -49, यही होगा। उसके बाद हमारा आता है कि भाई यक्स माइनस, अब जो जिधर है उधर कर लो, अंक को अंक की तरफ और जो ये वाले हैं एक्स वाई हैं उनको एक तरफ। तो यक्स -7y को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7y माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था। उसके बाद इक्वल लगाएंगे, -49 है लेकिन ये -7 है, ये आपका प्लस का 7 हो जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा यक्स -7y बराबर 42, वो भी माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ा चिन्ह में माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट समीकरण हो जाता है, कितना, फर्स्ट। उसके बाद एक कंडीशन इसमें और दी गई है कि भाई अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब अब से 3 वर्ष बाद। तो अब यहाँ पर 3 वर्ष, तो यहाँ पर फिर क्या कहता है आफ्ताब, फिर कहा भाई कि भाई 3 वर्ष क्या बाद बोला है ना, तो बाद आफताब की आयु बराबर हो जाएगा कितना भाई, मतलब आफताब की आयु थी उसमें 3 जोड़ दिए जाए और वर्ष में है तो वर्ष, बस सिंपल। इसी तरीके से पुत्री की आयु, तो भाई 3 वर्ष है ना बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, वाई +3 वर्ष में है तो वर्ष, ठीक है। उसके बाद हम समीकरण के अनुसार दर्शा देंगे कि भाई कितने गुनी रह जाएगी, 3 गुनी रह जाएगी। तो आफ्ताब क्या बोला, 3 गुनी रह जाएगी ना, तो यक्स +3 है ना, ये हो जाएगा। इक्वल करना है हमें वाई +3 से 3 गुनी रह जाएगी ये पुत्री की आयु से, तो ये हो गया। यहाँ पर आपको लिखना चाहिए था प्रश्नानुसार फिर से, ये सेकेंड कंडीशन थी, ठीक है, कितनी, सेकेंड कंडीशन।
अब इसको सॉल्व करो कि भाई x प्लस थ्री तो सेम रहेंगे, इक्वल में y का तीन से गुणा होगा तो तीन ओ आई, और तीन का तीन से होगा प्लस का है तो नौ, यानी प्लस नौ इतना होगा। अब आप अंक को अंक की तरफ लाओ और यक्स वाई को यक्स वाई की तरफ, तो आपका यक्स है इधर माइनस तीन वाई इक्वल टू नौ माइनस तीन, तो अब आपका कितना बचेगा यक्स माइनस तीन वाई बराबर छः, यही बचेगा। तो ये आपका समीकरण नंबर दो हो जाता है। अब हमें इसे ग्राफी रूप में दर्शाना है, बीजगणितीय रूप में तो हमने दर्शा दिया, लेकिन इन्हें हमें ग्राफी रूप में दर्शाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें समीकरण नंबर एक को सॉल्व करना है, तभी ग्राफी रूप में दर्शा पाएंगे। तो समीकरण नंबर एक क्या कहता है कि भाई यक्स माइनस सेवन वाई, ठीक है, इक्वल है माइनस फोर्टी टू के, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, वाई इक्वल टू हमें निकाल लें चाहे यक्स इक्वल टू, तो हम वाई इक्वल टू निकाल लेते हैं, तो माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस फोर्टी टू माइनस यक्स, यही हो जाएगा पूरे समीकरण में। अगर हम माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा सेवन वाई इक्वल टू, यानी सारे चिन्ह बदल जाएंगे, फोर्टी टू माइनस यानी प्लस यक्स, ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि माइनस का यक्स था। तो अब हम वाई इक्वल टू निकाल सकते हैं फोर्टी टू प्लस यक्स बटे में सात, ठीक है, इतना हम निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक अंक, यहाँ पर एक तालिका बना लेंगे कि भाई वैल्यू कैसे चेंज होगी। तो यहाँ पर ऐसे एक आप तालिका बनाओ, उसके बाद यक्स और वाई में उसको डिवाइड कर दो, ठीक है, कितने में, यक्स और वाई में, तो ये हम लिए यक्स और ये लिए वाई, ठीक है। अब अपने से आपको वैल्यू पुट करनी है, अगर हम यहाँ पर यक्स इक्वल टू जीरो रख दें तो वाई की वैल्यू क्या निकलेगी, तो देखो y इक्वल टू कितनी निकलेगी 42, और x की जगह हमें लिखना है 0 यानी प्लस का 0 बटे में 7, तो 7 का जब भाग 42 में जाएगा तो 7 छंग 42। अब अगर हम एक बात ध्यान रखना कि ये भाई सम में ही आए, पॉइंट में ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, इस तरीके की वैल्यू मानो कि ये पॉइंट में ना आने पाए। तो अगर हम यहाँ पर 7 रख दें, यक्स इक्वल टू 7 यानी 7 सत्ते 49 पूरा भाग चला जाएगा, यहाँ पर 42 7 49 रहेगा, 7 से भाग चला जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम 7 रख दें तब 42 7 कितना हो जाएगा इक्वल टू 49 बटे में 7, तो 7 सत्ते 49 यानी पूरा का पूरा भाग चला गया। अगर हम y इक्वल टू 7 रखते हैं तो यक्स इक्वल टू भी 7 आता है, या यक्स इक्वल टू 7 रखते हैं तो y इक्वल टू भी 7 आता है, बिल्कुल सिंपल, चाहे जिसमें जैसे रखोगे बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी, आप ये देख सकते हो। तो ये आपका एक बन गया। अब समीकरण नंबर दो क्या कहा था, तो समीकरण नंबर दो को हम सॉल्व करते हैं। समीकरण नंबर दो यहाँ पर लिखा है यक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू 6, तो यहाँ पर है यक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू 6। अब इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है, तो कैसे आप लोग सॉल्व करोगे इसे, तो बिल्कुल सिंपल है भाई कि हमें यक्स की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, तो यक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 प्लस 3 वाई। तो अगर हम यहाँ पर वाई इक्वल टू कितना रख दें, 0 रख दें, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी। सबसे पहले फिर एक आपको तालिका ऐसे बना लेनी है कि भाई हम वैल्यू रख रहे हैं ना, मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, आप चाहें तो पटरी का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने वैल्यू बना ली, कितना भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x और यहाँ पर लिख दिया y, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 0 अपने से मानते हैं, रखते हैं, तो अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6 प्लस 3 गुणे y कितना है 0, तो 3 गुणा 0 होगा तो 0 हो जाएगा, यानी 6 बचेगा, तो y की वैल्यू हमारी आती है 6, ठीक है, तो इतना हमारा आ जाता है। उसके बाद अगर हम x की वैल्यू जो है वो 1 रख दें, कितना रख दें, सॉरी y की वैल्यू 1 रख दें, तब हमारे कितना आएगा। तो यहाँ पर देखो फिर से वही कि भाई 6 प्लस 3 वाई में अगर हम 6 प्लस 3 इंटू वाई की जगह हम 1 रखते हैं तो बराबर हमारा कितना आ जाता है, 6 प्लस 3 यानी इक्वल टू 9, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9। और अगर हम 2 रखते हैं तब कितना हो जाएगा, देखो 3-3 का अंतर है, 3-3 का अंतर रहेगा, अगर एक लाइन से हम लिखते जाएंगे तो 6 3 9 3 12 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ गया, यानी हमारी ये दो तालिकाएं बन गई। अब इन्हें हमें ग्राफ में दर्शाना है, तो ये रहा हमारा ग्राफ। आप ग्राफ लिखना तो जानते हैं कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है, तो ये है हमारा पूरा ग्राफ। अब इसमें करना क्या है, मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, अरे यार छोटा हो जा भाई, ठीक है,
हाँ ये हो गया, पूरा ग्राफ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसे हम सब इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर यक्स जो है वो है 0 और वाई है 6, तो यक्स हम ढूंढेंगे। यक्स जो है यहाँ पर है कितना, 0, तो यक्स इक्वल टू अगर हमने 0 रखा तो वाई इक्वल टू जो निकल के आया वो निकल के आया 6, तो ये रहा 6, तो इसका कोई मान नहीं। उसके बाद हम रखते हैं कि भाई यक्स इक्वल टू हम 7 रखते हैं, सॉरी क्या 7 रखते हैं, तो वाई इक्वल टू भी हमारा 7 निकल के आता है। यानी अगर हम इसे आभासी रेखा से इस तरीके से मिलाएंगे तो कुछ हमारी जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके से आएगी, है ना। यानी यहाँ पर बिंदु हमारा, तो ये हमारा हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई 7 और 7, ठीक है, ये है हमारा। तो हमने 2 ही निकाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसे और इसे मिला देना है, तो इस तरीके से ये आपकी रेखा पूरी चली जाएगी दोनों बिंदु को होते हुए, मतलब इस तरीके से। और ये जो समीकरण है, ये समीकरण आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर, ये कौन सा समीकरण था, ये वाला x-7y इक्वल टू में -42, ये वाला समीकरण था। अब इसी तरीके से हम दूसरे समीकरण को दर्शा देंगे। तो अब हमारा आता है दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण इस तरीके से बिल्कुल सिंपल है कि भाई y की वैल्यू हमने अगर 0 मानी तो x की वैल्यू हमारी 6 आ गई, तो x इधर है तो ये वैल्यू हमारी 6 आ गई अगर हमने y की वैल्यू 0 मानी। अगर हमने y की वैल्यू 1 मानी तो x की वैल्यू जो आई वो 9 आई, यानी ये यहाँ पर आई। तो अगर हम इस तरीके से इसे मिलाएंगे कुछ इस रेखा से, तो ये जो मिलता हुआ नज़र आएगा इस तरीके से, यहाँ पर एक बिंदु रहेगा। तो ये बिंदु आपका जब रहेगा तो ये कौन सा बिंदु होगा, 9, 1, है ना, यही होगा। उसके बाद हमने 12 तक है नहीं, तो इसको फिर से हम लाइन मिला देंगे तो कुछ इस तरीके से हमारी जो रेखा है वो चलेगी, किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। यानी एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगे, यानी प्रतिच्छेदी रेखा बन जाएंगी। अब इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद आप शून्य निकाल सकते हैं, जहाँ पर शून्य आ जाएगा वो प्रतिच्छेदी रेखा होती है। तो बस इस तरीके से आपको दर्शा देना है और कुछ ज़्यादा करना नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।